मैक्रो मिनरल्स Good morning, students. Am I audible? This topic orthogonal trajectory harmonic function we ball have you discussed this orthogonality of u and v where u and v are real imaginary parts of an analytic function have we covered this topic in the last class ma'am yes आपकी वॉइस नहीं आ रही Is it audible now? Is it audible? I'm not getting your response. I think I have discussed this topic, orthogonality of U and V with you guys in the last class. We have to start from here. We have to determine an analytic function whose real part is this. अगर हमें एनालिटिक फंक्शन में निकालना है तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे एक होगा रियल पार्ट एक होगा इमेजिनरी पार्ट जनरली हम लेके चलते हैं fz is equal to u plus iota of v हमें जो u पार्ट है रियल पार्ट वो हमें गिवन है हमें v कंपोनेंट निकालना है एक चीज ध्यान में रखना अगर कोई भी एनालिटिक फंक्शन हमें गिवन है तो उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं दे आर हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन होते हैं और एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होते हैं एनालिटिक फंक्शन कभी भी कोई भी फंक्शनलिटिक दिया हुआ है एक चीज और ध्यान रखना कि कॉची रेमन इक्वेशंस वो सेटिस्फाई करेंगे सबसे पहले हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो रियल पार्ट यू फंक्शन है ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लैपलेस इक्वेशन क्या होती है सपोज यू आर गिवन एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है एफ जो आपका एक्स और वाई का फंक्शन है एफ डबल डबल एक्स प्लस एफ डबल वाई इज इक्वल टू जीरो मतलब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जब मैं एफ पर लूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दोनों का जब मैं सम करूं वो जीरो आना चाहिए यहाँ पे हमें यू के लिए चेक करना है तो वी विल चेक वेदर यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो और नॉट तो जो यू फंक्शन गिवन है उस पर पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट कर लेते हैं एक बार जब आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली पार्शली जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना वन टाइम करोगे तो यू विल गेट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस जीरो प्लस टू प्लस जीरो दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में यू विल गेट सिक्स एक्स प्लस सिक्स
दिस विल बी योर यू एक्स एक्स. सिमिलरली यू वाई वाई कॉम्प्यूट करना, एक बार वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करना, फिर अगेन उसको वाई के साथ डिफ्रेंशिएट करना, यू विल गेट माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स. दोनों का सम करोगे, इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो. सिंस यू इज सेटिस्फाइंग द लैपलेस इक्वेशन, इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन. इस इक्वेशन को ना लैपलेस इक्वेशन भी बोलते हैं. u x x plus u y y is equal to 0, then u is your function. अगर कोई और function तो उसके बारे में मैं करेंगे. अब ये obvious है, analytic function है तो harmonic भी होता है, तो वो तो obvious था कि u हमारा ये equation को satisfy करेगा. अब हमें क्या करना है, function का imaginary part, that means v part जो है वो हमें find out करना है. तो उसके लिए मैंने आपको एक दो तरीके बताए थे. एक मेथड में हम कॉची रेमन का यूज करके देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन के उसका यूज करते हैं. दूसरा था मिल्ले थॉमसन मेथड. अगर याद नहीं है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये मेथड का ये रिजल्ट कैसे आया. तो आपका एफ ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, आपका जो फंक्शन एफ होता है वो हमारा होता है यू प्लस आयोटा वी. तो एफ डैश जेड क्या होगा, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यू एक्स एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे जेड कॉमा जीरो मत सोचो भी, प्लस आयोटा यू वाई. यस मैम, आपने लास्ट क्लास में तो हमने वो कराया था ना कॉची रेमन इक्वेशन के क्वेश्चन कराए. इसके बाद मैंने आपको ये सब नहीं कराया, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ यू एंड वी एंड दिस मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन. आपके साथ थर्सडे को फर्स्ट लेक्चर होता है ना, एक बार किसी और स्टूडेंट से कंफर्म कर लूं, शायद मैंने वो क्लास थर्सडे को आई थिंक फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें कवर किया था. एनीवन एल्स हु अटेंडेड द लेक्चर ऑन थर्सडे? राजीव आपने अटेंड किया था? मैं अटेंड तो करा था, पर आपने मेरे ख्याल से कॉची रेमन तक ही कराया था. कोई नहीं, मैं फिर आगे किसी स्टूडेंट से पूछ के देखो मैम, शायद मेरे को कोई दिक्कत हो. ओके, कोई बात नहीं, रिपीट कर. हार्मोनिक फंक्शन ये पता है सबको? ये तो सब कवर कर लिया था हमने, पोलर फॉर्म भी कवर कर लिया था. ये सब डिस्कशन इज बीन डिस्कस ना. यस मैम, ये हो गया था. ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ हार्मोनिक से. अब जो मैं डिस्कस करूंगी इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये वाला भी आगे भी. और आपको पता आपका जो यूनिट टेस्ट होगा वो आपका थर्ड और फोर्थ यूनिट से जो टेस्ट है वो भी एमसीक्यू होगा. तो जिन जिन टॉपिक्स पे कहूंगी उन टॉपिक्स पे एम्फेसिस करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं. दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. हार्मोनिक फंक्शन चेक करने के लिए पूछ सकते हैं. सपोज आपके पास एक कोई भी फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कोई फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का फंक्शन है, उसको हार्मोनिक फंक्शन या फिर हम कहेंगे कि वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. कब? जब उसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के साथ ले रहे हैं, एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई, उनका जो सम है वो जीरो के बराबर हो. अगर ये इक्वेशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन है, और वी से दैट इट इज सेटिस्फाइंग द लैपलेस इक्वेशन. अब सपोज करो एफ जेड आपका एक एनालिटिक फंक्शन है, तो आपका जो एफ जेड होगा वो क्या होगा, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म का. क्योंकि एनालिटिक है तो वो कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इसका मतलब ux किसके बराबर होगा, v by k, और uy equal होगा minus vx k. Is this clear? Yes. अब आप क्या करो, पहले आप ये वाली जो इक्वेशन है जो आप कंप्यूट करो uxx plus uyy. uxx कंप्यूट करने के लिए आपके पास ये जो uxx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस होल इक्वेशन को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी आई विल गेट uxx is equal to vxy. पहले v का y के साथ था, अब x के साथ किया तो पहले x लिख दिया. ये वाली जो इक्वेशन है uy is equal to minus vx, इस पूरी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट uyy is equal to minus vyx. दोनों को ऐड करते हैं, यू विल गेट vxy minus vyx ऑन द राइट हैंड साइड.
क्योंकि जो बी एक्स वाई कंप्यूट करो या बी वाई एक्स कंप्यूट करो दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन दोनों का अपोजिट है, तो इनको जब ऐड करेंगे राइट साइड को वो जीरो बनेगा एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू विल बी हैविंग यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब जो आपका रियल पार्ट होगा किसी भी एनालिटिक फंक्शन का वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा और वी कैन से इट विल सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। ओके, अब अगर हमें शो करना है वी एक्स एक्स एंड वी वाई वाई तो आप क्या करोगे, इस वाले को वाई के रिस्पेक्ट में कर लो पार्शली डिफरेंशिएट और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में और दोनों को अगेन ऐड करना, ये नेगेटिव को इस वाले के यहाँ पे राइट लेफ्ट में शिफ्ट कर देना और ऐड करोगे यू विल गेट जीरो। तो आप ये देखोगे अगर आपके पास कोई भी एनालिटिक फंक्शन है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट एक तो आपके कॉची रेमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कीप दिस इन माइंड। सेकंड थिंग कि वो हार्मोनिक फंक्शंस होंगे, दैट मींस वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होते हैं किसी भी फंक्शन को, क्योंकि वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, उनको हम कह सकते हैं वो एक दूसरे की हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स भी हैं। U and V are said to be conjugate of each other and in fact they are known as harmonic conjugate of each other. Entire function क्या होता है, वो function जो analytic है entire complex plane में, पूरे के पूरे complex plane में हर जगह हर point पे differentiable है, उसको हम कहेंगे entire function। Example हो सकता है आपका कोई भी polynomial function या trigonometric function जो आपके sin z cos z होते हैं। In this question, इसको explain करने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक करा रही हूँ, इसके बाद we will come back to this question. The MCQ point of view से, does there exist a holomorphic function whose real part is this? Holomorphic function का मतलब होता है analytic function. अब अगर कोई मान लो सपोज एक analytic function exist करता है जिसका real part ये function है, अगर वो एनालिटिक फंक्शन है और उसका रियल पार्ट ये, तो ये कैसा होना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन, दैट मींस यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई जीरो होना चाहिए। आप इसका यू एक्स एक्स दो बार ही एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम करोगे टू एक्स वाई, सेकेंड टाइम करोगे टू एक्स। यू वाई वाई के रिस्पेक्ट निकालना है, एक बार ही वाई के साथ करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम यू विल आप करोगे जब डिफरेंशिएट यू विल गेट जीरो। So uxx plus uyy will be 2y plus 0 which is 2y not equal to 0. इसका मतलब ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, और अगर एनालिटिक फंक्शन होता तो ये हार्मोनिक फंक्शन तो पक्का होता। तो इसका मतलब कोई भी एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसका हार्मोनिक रियल पार्ट क्या हो x square y. Is this question clear? Yes ma'am. Now look at the next question. To find the analytic function, suppose करो आपके पास एक analytic function है, उसका real या फिर imaginary में से कोई एक part दिया है, आपको जो remaining missing part है वो find out करना है। If real or imaginary of a function is given, we have to find analytic function as that complete function निकालना है as well as its harmonic conjugate. Obviously अगर real दिया होगा तो उसका harmonic conjugate imaginary part होगा, और अगर imaginary given होगा तो real part। मैं आपको एक रियल पार्ट मान लो गिवन है, इमेजिनरी हम निकालने उसका तरीका बता रही हूँ। अगर आपको इमेजिनरी गिवन हो रियल निकालना हो सेम मेथड विल बी अप्लाई, डिफरेंस नहीं होगा। सपोज आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है जिसका रियल पार्ट यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज गिवन, आपको डिटरमाइन करना है वी फंक्शन और फिर कंप्लीट एनालिटिक फंक्शन लिखना है। अब आपको पता ही जो वी फंक्शन है वो हमारा एक्स और वाई का फंक्शन होगा, इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, dv is equal to partial derivative of v with respect to x which is vx dx plus partial derivative of v with respect to y vy dy. ये तो dv का total derivative से हमें मिल गया। अब आपको पता है क्योंकि आपका अगर analytic function है तो वो Cauchy Riemann equation satisfy करेगा, तो आपको पता है जो ux होगा वो होगा vy के बराबर, तो vy की जगह हमने ux लिख दिया, और जो यू वाई होगा वो होगा माइनस वी एक्स के बराबर, तो वी एक्स क्या बना माइनस ऑफ यू वाई, वो हमने लिख दिया। अब आपको ये पता है कि आपके पास फंक्शन यू है तो आप यू वाई और यू एक्स तो निकाल ही सकते हो आराम से, चाहो तो उसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि ये जो इक्वेशन बनेगी
राइट साइड की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसे देखेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो करके कुछ होती है। तो m का जो हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, जो dx के साथ टर्म है उसका डेरिवेटिव लेते हैं y के साथ, और जो dy के साथ कॉम्पोनेंट है उसका लेते हैं x के साथ डेरिवेटिव, और देखते हैं वो दोनों इक्वल है या नहीं। dx के साथ यहाँ पे टर्म है माइनस यू वाई, इसका अगर हम y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट माइनस यू वाई वाई, यू एक्स का करेंगे x के साथ में तो यू विल गेट यू एक्स एक्स, क्योंकि u हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई जीरो के बराबर होगा। तो इसका मतलब यू एक्स एक्स विल बी इक्वल टू माइनस यू वाई वाई। इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्व करके हमारा जो वी फंक्शन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो वी क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस यू वाई डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो uy के अंदर जहां जहां y होगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना, प्लस इंटीग्रल ऑफ ux dy, ux का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, पर सिर्फ उन्हीं टर्म्स का करेंगे जिसमें x नहीं है। अगर जब लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था, सेम चीज हम यूज करेंगे। अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसी चीज को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये जो ux का जब हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ वही टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे जिसके अंदर x नहीं होगा, इंटीग्रेट दोस पार्ट्स ऑफ ux व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, प्लस c। ये जो c कांस्टेंट है वो कैसा होगा, रियल कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखना, हियर दिस c विल बी अ रियल कांस्टेंट। तो c के साथ आयोटा नहीं आएगा, तो c हमेशा 1, 2, 3, हाफ वगैरह रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एक तरीका तो ये है उस एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है जो आपका फंक्शन होगा f z, इज दिस द फर्स्ट मेथड क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नाउ द सेकंड मेथड, f z क्या होगा आपका, u प्लस आयोटा v, वेयर u एंड v विल बी फंक्शंस ऑफ x एंड y। ये जो z है, z क्या है यहाँ पे, x प्लस आयोटा y। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल गेट f डैश ऑफ z, z क्या है आपका, x प्लस आयोटा y। उसका x के साथ डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस आयोटा y का डेरिवेटिव x के साथ, जब आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट f डैश z ओनली। राइट साइड पे देखो, ux ऑफ x कॉमा y प्लस iota vx ऑफ x कॉमा y। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर क्या करो, z को x को आप z पुट कर दो और y को जीरो पुट कर दो। तो देखो जो लेफ्ट साइड था f डैश ऑफ x प्लस आयोटा y, ये z का मतलब क्या है, x प्लस आयोटा y, उसमें x की जगह आप z रख रहे हो और y की जगह जीरो, तो इट विल बिकम z प्लस आयोटा जीरो व्हिच इज z, तो ये तो z ही रहेगा। राइट साइड क्या बनेगा, u x ऑफ z कॉमा जीरो प्लस आयोटा vx ऑफ z कॉमा जीरो, बट vx किसके बराबर होता है, माइनस यू वाई के, कॉची रेमन इक्वेशन से। तो माइनस यू वाई हो गया, x की जगह z डाला है, y की जगह जीरो डाला है। अब इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या होगा, अगर आपके पास u गिवन है तो अब आपके पास क्या बन गया, u की टर्म्स में इक्वेशन मिल गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके जो कॉम्पोनेंट है वो क्या z की टर्म्स में है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट साइड को करोगे f डैश z का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z विल बी f z, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना z के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अभी जो ux और uy वो z की टर्म्स में है, तो जो कंप्लीट टर्म होगी राइट साइड पे उसको हम करेंगे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c। अब ये जो c होगा यहाँ पे इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी, रियल नहीं हो सकता, इसमें आयोटा कंपोनेंट होगा। फर्स्ट मेथड में जो कॉन्स्टेंट लिखते हो वो रियल कॉन्स्टेंट होता है, सेकेंड वाले में जब आप ये मिलने, इसको कहते हैं मिलने थॉम्पसन मेथड, इसमें जो कांस्टेंट होता है दिस इज द प्योरली इमेजिनरी कांस्टेंट।
अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, इसमें दोनों तरीके डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। आपको वो सभी एनालिटिक फंक्शंस निकालने हैं जिसका रियल पार्ट क्या हो, u ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू ex cos y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप चेक करो कि ये हार्मोनिक है या नहीं। हार्मोनिक है तभी एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। हार्मोनिक होगा तो कर सकता है, ये नहीं होगा कि करेगा ही, कर सकता है। तो सबसे पहले यू एक्स कॉमा वाई हम देखते हैं, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई कंडीशन चेक करेगा, दैट मींस इट इज हार्मोनिक। अब हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना, रियल भी बनना है, तो इमेजिनरी पार्ट जो हमारा वी था उसका टोटल डेरिवेटिव होगा डीवी इज इक्वल टू डी एक्स डी एक्स प्लस वी वाई डी वाई। Cauchy Riemann equation use करके we will write in place of v by ux and in place of vx minus uy, ये लिखा। इसके बाद ये जो u function है इसका x के साथ partial derivative की value यहाँ put कर दो और y के साथ जो partial derivative होगा यहाँ put कर दो। x के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, e की power x cos y plus 2x minus 0 यहाँ put किया। y के साथ लेंगे तो minus e की power x साइन y प्लस जीरो माइनस टू वाई। ये जो नेगेटिव साइन आएगा उसको बाहर ले लेंगे और यहाँ पे जो नेगेटिव था उसके साथ वो कंबाइन होके पॉजिटिव बन जाएगा और डायरेक्ट लिखा होगा यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्म ex साइन y प्लस टू वाई। ध्यान रखना नेगेटिव आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव है इसलिए वो डायरेक्टली पॉजिटिव लिखा होगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, dv का इंटीग्रेशन तो v जो ये dx के साथ टर्म है इसका करेंगे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y as कांस्टेंट। ex sin y में sin y कांस्टेंट, ex का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में विल बी ex, 2y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2yx। अभी जो dy के साथ जो टर्म है इसमें हम सिर्फ उन्हीं टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में जो x के इंडिपेंडेंट हो, जिसमें x ना हो। यहाँ पे दो टर्म्स है, दोनों के दोनों के अंदर x है तो इसके अंदर यहाँ से तो हमने सिर्फ एक जीरो का इंटीग्रेशन करना है विच विल बी जीरो प्लस c। यहाँ पे जो c है वो क्या होगा, हमारा रियल कांस्टेंट। तो fz क्या बना, u फंक्शन जो हमें गिवन था प्लस आयोटा ऑफ दिस फंक्शन। तो अब अलग करके लिखेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से जो ex cos y है और यहाँ पे iota ex sin y है, तो यहाँ से ex को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, cos x plus iota sin y। cos x plus iota sin y हमारे एक्सपेंशन होते e की पावर iota y की, तो वो हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पे ये जो x square minus y square plus iota 2xy वाली टर्म मिलेगी, ये क्या होता है हमारा रियल ऑफ जेड स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और टू आयोटा एक्स वाई रियल इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म्स की जगह मिल सकते हैं जेड स्क्वायर आयोटा सी एच डी। ये जो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई है इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स प्लस आयोटा वाई के जेड। तो आपने जो आपका फंक्शन था उसको हमने जेड की टर्म में लिख दिया है। ये तो था यूजिंग द फर्स्ट मैथड। नाउ यूजिंग द सेकेंड मैथड विच इज मिलने थॉमसन मैथड। उसमें क्या था कि यस एक बार ये बता दो, यहाँ पर जीरो का इंटीग्रेशन क्यों करा रहे हैं? यहाँ पे कोई भी टर्म देखो सिर्फ उसी टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे जो x के इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे दो टर्म से दोनों के अंदर x कंपोनेंट है तो यहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं मिला ना जिसका मैं इंटीग्रेट करना है बाई के रिस्पेक्ट में, तो जीरो बचा ना। ठीक है नेक्स्ट इज योर मिलने थॉमसन मेथड। f dash z हमने लिखा, मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था ऊपर। f dash z is given by u x z comma 0 minus iota u y z comma 0। तो आपका जो u x था वो आपका था ये वाला कंपोनेंट, इसमें x की जगह z डालो y की जगह 0, तो e की पावर z cos 0 which is 1 plus 2z वो लिखा।
इमेजिनरी पार्ट यू वाई वाले के अंदर जब आप एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो डालेंगे तो ई की पावर जेड साइन जीरो कम्प्लीट टर्म जीरो गई प्लस टू इंटू जीरो जीरो ये तो माइनस आयोटा जीरो बना विच इज जीरो तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे कॉम्पोनेंट बचा ई जेड प्लस टू जेड दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में f डैश z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में विल बी f ऑफ z राइट साइड में e की पावर z प्लस 2z का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर z का ez 2z का विल बी z स्क्वायर प्लस k वेयर k विल बी प्योरली इमेजिनरी कांस्टेंट ये ध्यान रखना दोनों मेथड में अलग-अलग है मेनली थॉमसन में कांस्टेंट है प्योरली इमेजिनरी है और जो सिंपल मेथड था जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया है एग्जैक्ट डिफरेंशियल बताते हैं वहां पे जो कांस्टेंट है वो आपका रियल होता है नाउ गो थ्रू दिस क्वेश्चन दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो आगे एंट्रेंस वगैरह होगा गेट का तो उसमें भी आ सकता है क्या आपको रियल पार्ट दिया हो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा हो एक बार मेथड भी देख लो और एग्जाम्पल भी देख लो Next, we will show that अगर आपके पास कोई analytic function given है, fz is equal to u plus iota v, where u is your real part and v is imaginary part.
देन आपको पता है यू और बी हमारे कुछ फंक्शन होंगे एक्स एंड वाई, देयर विल बी सम एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, देन u of x comma y equal to c1 where c1 is some constant and v of x comma y is equal to c2 where c2 will be some constant. c1 और c2 कुछ भी values ले सकते हैं. ये जो दोनों curves की equation मिलेगी first and second real imaginary part से, ये दोनों curves आपस में orthogonal होंगे. किन्हीं भी दो curves को हम orthogonal तब कहते हैं जब वो curves कभी भी intersect करें तो वो 90 degree के angle पे intersect करें. अब आपने लाइंस के लिए तो देखा था तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं. कब होती है परपेंडिकुलर दो लाइंस? इफ यू आर गिवन एनी टू लाइंस दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ, कंडीशन बताओ. परपेंडिकुलर का मतलब तो पता है कि 90 डिग्री पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है हमें? माइनस होना चाहिए. उन जो दोनों हमारी लाइंस हैं उनका जो स्लोप होगा उनका प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू माइनस वन. देन वी से दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अब लाइंस के लिए तो इजी है स्लोप निकालना. वैसे भी अगर लाइन है या फिर कोई भी हमारे पास कर्व है उसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं? d by dx. तो हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास कर्व्स की इक्वेशन मिली है u of x comma y is equal to c1 and v of x comma y is equal to c2, इन दोनों से हम dy by dx कंपोनेंट निकालते हैं और उनका प्रोडक्ट चेक करते हैं whether it will be equal to minus 1 or not. तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. अब ध्यान से देखना, या तो आप लिख लो पहले टोटल डेरिवेटिव. अगर डिफरेंशिएट करोगे u को टोटल डेरिवेटिव लिखोगे तो क्या मिलेगा, पहले x का पार्शियल डेरिवेटिव. या तो आप x के रिस्पेक्ट में समझ लो डायरेक्टली. c1 तो कांस्टेंट है तो राइट साइड जीरो. अब जो u है वो क्या है, हमारा x और y का फंक्शन है. तो जब हम x का डेरिवेटिव x के साथ करेंगे तो सिंपल डेरिवेटिव करेंगे, y को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. प्लस जब हम y वाले कॉम्पोनेंट्स का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो नॉर्मली डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ जैसे करते हैं, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे dy by dx. तो क्या बना, del u by del x partial derivative of u with respect to x plus partial derivative of u with respect to y into dy by dx equal to zero. आप चाहो तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, del u by del x का dx आता है, dx by dx होगा वन हो जाता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ही मतलब dy by dx बचेगा y वाले partial derivative के साथ. तो dy by dx की वैल्यू कैसे मिलेगी, del u by del x को राइट साइड पे लेके जाओ और फिर डिवाइड में ले जाओ del u by del y. यू विल गेट दैट dy by dx हियर इज माइनस del u by del x अपॉन में del u by del y. सिमिलरली ये जो सेकंड वाली कर्व की v of x comma y is equal to c2, इसको y के x के साथ जब हम पार्शियल x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे so you will get del v by del x plus del v by del y dy by dx is equal to zero. dy by dx ko solve karoge you will get minus del v by del x upon me del v by del y. ab in dono curves ke kisi bhi random point x comma y jahan pe ye meet kar rahe honge uske hame inke slope mil gaye. to hum kya karenge, ab in dono ko multiply kar dete hain, m1 aur m2 se donate kiya multiply karte hain. तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल वाई यहाँ पे ना डिवाइड में लिखा हुआ है, आपने उसको मल्टीप्लाई में करना. यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ, अपॉन में नहीं होगा मल्टीप्लाई में होगा, देयर इज अ मिस्टेक. तो अगर आप ध्यान से समझो ऊपर क्या आ रहा है, माइनस यू एक्स अपॉन में यू वाई इंटू माइनस वी एक्स अपॉन में वी वाई. माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, आपको पता है जो यू एक्स है वो वी वाई के बराबर होता है कैंसिल, और जो यू वाई होता है वो माइनस वी एक्स के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा सिर्फ बचेगा माइनस. तो एम वन एम टू विल बी इक्वल टू माइनस वन. यहाँ पे जो कॉची रेमन इक्वेशन वाली जो कंडीशन है ना उनका यूज करेंगे कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन गिवन है तो कॉची रेमन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी. तो हमें क्या मिला, m1 m2 is equal to minus 1. इसका मतलब ये जो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं किसी भी एनालिटिक फंक्शन के, दे आर ऑर्थोगोनल. तो सपोज आपको एक हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन है, आपको इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है.
मतलब बहुत सारी फैमिली ऑफ कर्व्स निकालने जो इसके ऑर्थोगोनल होंगे। तो हम इसको यू लेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी ले लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, निकाल लिया। कॉची रायमन इक्वेशन से हमें पता है डेल यू बाई डेल एक्स इसके बराबर होगा डेल वी बाई डेल वाई के, और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल होगा माइनस डेल वी बाई डी एक्स, और माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल होके आपको सिर्फ सिक्स एक्स वाई मिल जाएगा राइट साइड पे। अब आपके पास डेल वी बाई डेल एक्स है सिक्स एक्स वाई, तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के साथ करेंगे, तो यू विल गेट ऑन द लेफ्ट साइड वी ऑफ एक्स को वाई, ऑन द राइट साइड यू विल गेट सिक्स वाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, यू विल गेट थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ वाई, सम फंक्शन ऑफ वाई, हम लिखते तो कॉन्स्टेंट है बट जब हम एक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो वाई को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे के वाई लिख लिया, वेयर के वाई विल बी सम फंक्शन ऑफ वाई ओनली। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना और डेल वी बाई डेल वाई के इक्वल रखना, और फिर वहां से के वाई फंक्शन निकाल लेना, इंटीग्रेट करके और पुट कर देना। जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस करी हुई है ना एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाली, वही तरीका यूज किया हुआ है। अगर इजी वे करना है तो आप क्या करो, सिंपल सिक्स एक्स वाई में से वो कॉम्पोनेंट इसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करो, यू विल गेट थ्री एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से सिर्फ वही कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट करो जो सिर्फ वाई का फंक्शन है। 3x2 में x का पार्ट है इसको मत करो, माइनस थ्री वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट माइनस वाई क्यूब, तो डायरेक्टली आपका फंक्शन बना 3x2y माइनस वाई क्यूब प्लस, और c हम लिखते नहीं है तो आपका फंक्शन ये मिलेगा, ये आपका v फंक्शन हो गया। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाले कर्व्स क्या होंगे, 3x2y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू c। देखो यहाँ पे वी एक्स और वी वाई है, आपको वी फंक्शन निकालना है कैसे भी निकालो, इस तरीके से करो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, ये जो पहले बताया था उस तरीके से करो, लास्ट सेमेस्टर का रिवाइज करोगे एग्जैक्ट वाला तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ओके अभी एक बार ये जो लिंक शेयर किया ना इसको रिज्वाइन कर लो, उसके बाद मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, इसको मैं एंड कर रही हूँ स्पीटिंग को, अभी रिज्वाइन करो यूजिंग द सेम लिंक। और मुझे अटेंडेंस की भी स्क्रीनशॉट भेज देना, तो यहाँ पे क्लिक कर लो।